नमस्कार, स्वागत है झारखंड और देश दुनिया की बड़ी खबरों में। जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी बनेंगी मंत्री। झारखंड के शिक्षा और उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन चेन्नई में इलाज के दौरान 6 अप्रैल को हो गया था। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद शिक्षा मंत्री और उत्पाद मंत्री का पद खाली हो गया था। इसके बाद से मंत्री पद के शपथ को लेकर कयास लगाए जा रहे थे, अब इस कयास पर विराम लगता नजर आ रहा है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। खबरों को माने तो इसके लिए सोमवार 3 जुलाई को दिन निर्धारित किया गया है। 3 जुलाई को दिन के 12:30 बजे के बाद राजभवन के दरबार हॉल में शपथ दिलाई जाएगी। बता दें कि जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। उनके निधन के बाद 90 दिनों से डुमरी विधानसभा चुनाव और मंत्री पद के शपथ को लेकर कयास चल रहे थे। झारखंड के इन लोगों को मिलेगा निःशुल्क बस सेवा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड सरकार झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ दिव्यांग और छात्र छात्राओं को जल्द ही निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि झारखंड में काम की कमी नहीं है, आप हाथ बढ़ाएं, सरकार आपके दरवाजे तक योजना पहुंचाएगी। झारखंड के वरिष्ठ नागरिकों व छात्र छात्राओं को बड़ा तोहफा भी दिया है। निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार कदम बढ़ाएगी। बसों का संचालन मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत की जाएगी। झारखंड बोर्ड 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए पंजीयन शुरू। झारखंड बोर्ड 10वीं-12वीं के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने कक्षा 10वीं-12वीं के कंपार्टमेंट परीक्षा 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 1 जुलाई 2023 से शुरू कर दिया है। जिन छात्रों के किसी एक या दो विषय में न्यूनतम मार्क से कम अंक आए हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट jack.jharkhand.gov.in पर जाकर अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यहाँ पंजीयन करने के लिए उम्मीदवारों को 5 जुलाई तक का समय दिया गया है। खबरों को माने तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 15 जुलाई से आयोजित होने की संभावना है। इसके लिए एडमिट कार्ड 10 जुलाई तक जारी किया जा सकता है। हालांकि इससे संबंधित बोर्ड द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड के संताल के युवाओं को मिलेगी पायलट की ट्रेनिंग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि संताल के युवक युवतियों को अब हवाई जहाज उड़ाने के लिए पायलट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए दुमका में ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। हर वर्ष वहां 30 युवक युवतियों को ट्रेनिंग मिलेगी। राज्य सरकार अपने खर्च पर इस क्षेत्र के 15 युवक युवतियों को पायलट बनने का प्रशिक्षण देगी। बाहर के शेष 15 युवक युवती अपने खर्च पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को हुल दिवस पर भोगनाडीह में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान सीएम सोरेन ने संताली युवाओं के लिए खास ऐलान किया। संताल परगना के युवाओं को पायलट बनने की फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्होंने संताल परगना में नई परियोजनाओं और क्षेत्र के विकास के लिए कई बड़े ऐलान भी किए। देश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इतने करोड़ रुपए की लागत पर विशेष पैकेज को मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने 3,68,676 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ किसानों को किसानों के लिए नवीनतम योजनाओं के एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी है। यह पैकेज टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों के समग्र कल्याण और उनकी आर्थिक बेहतरी पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों की आय को वृद्धि करेगी, प्राकृतिक और जैविक खेती को मजबूती देगी, मिट्टी की उत्पादकता को पुनर्जीवित करेगी और साथ ही खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करेंगी। जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने यानी CCPA ने
सत्र की तारीखों पर अपनी मोहर लगा दी है। मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार समान नागरिक संहिता यानी UCC को लेकर बिल पेश कर सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट कर लिखा, संसद का मानसून सत्र 2023 आगामी 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। मानसून सत्र में मोदी सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बिल पेश कर सकती है। पीएम मोदी ने हाल ही में यूसीसी को लेकर दिए बयान के बाद इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालयों में शुरू हुई पढ़ाई। झारखंड के उत्कृष्ट विद्यालय में शनिवार 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू कर दी गई। झारखंड में मुख्यमंत्री यानी CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्रथम सत्र की शुरुआत हो गई है। झारखंड में निजी विद्यालयों के तर्ज पर खोले गए 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाई शुरू हो गई है। जुलाई से इन विद्यालयों में शुरू हुए पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे केरल दिल्ली जैसे देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड में सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके। झारखंड के सभी जिला स्कूल सहित पूरे झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में पहले दिन शिक्षा विभाग के निर्देश पर नामांकित सभी बच्चों को पुष्प गुच्छ भेंट कर प्रवेश उत्सव मनाया गया। झारखंड में निजी स्कूल की तर्ज पर शुरू की गई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के जरिए सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्मार्ट बनाने का लक्ष्य है, जिसके लिए स्मार्ट क्लास के साथ साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से इन स्कूलों को लैस किया गया है। सरकार का बड़ा ऐलान, 1 जुलाई से सस्ते बिकेंगे फ्रिज, TV, स्मार्टफोन, रेफ्रिजरेटर। 1 जुलाई से देशवासियों को स्मार्टफोन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन समेत तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने के लिए जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल सरकार ने GST रेट कम कर दिया है। इसके बाद अब अप्लाइंसेस को खरीदना अब काफ़ी किफ़ायती हो जाएगा। सरकार ने GST रेट को 31.3% से कम कर दिया है। जहाँ पहले ग्राहकों को इन अप्लायंसेस को ख़रीदने के लिए जेब ढीली करनी पड़ती थी, वहीं अब 31.3% GST चुकाने के बजाय अब ग्राहकों को 18-12% GST ही चुकाना पड़ेगा। इसके बाद अप्लायंसेस को ख़रीदना कितना के फ़ायदे होगा, इस बारे में आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। SBI ने देश भर में 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग केंद्र किए लॉन्च। भारतीय स्टेट बैंक ने शनिवार को ग्राहक सेवाओं को बढ़ाने और विकास को गति देने के लिए देश भर में 34 ट्रांजेक्शन बैंकिंग केंद्र लॉन्च किए। उद्घाटन के मौके पर केंद्र ने कहा कि ये केंद्र लेनदेन बैंकिंग सेवाओं और चालू खाता संबंधित पेशकशों में उसकी परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा है। बैंक का लक्ष्य ग्राहकों की सभी ज़रूरतों को पूरा करना और एक ही छत के नीचे उनके लेन देन, भुगतान और संग्रह आवश्यकताओं के लिए व्यापक समाधान प्रदान करना है। दुनिया भर में डाउन होने के बाद बहाल हुई ट्विटर की सर्विस। दुनिया भर में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर की सर्विस डाउन होने के बाद फिर से बहाल हो गई है। शनिवार शाम यूजर्स को रेट लिमिट एक्सीड लिखा मैसेज देखने को मिला। काफ़ी देर के बाद सर्विस दोबारा चालू हुई। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले नेटिजन्स रेट लिमिट वाले मैसेज देखकर शनिवार को काफ़ी देर तक परेशान रहे और उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सूचनाएं शेयर की। इससे पहले आई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ यूजर्स ने कंप्लेन में लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में रिपब्लिकन की हार के बारे में सर्च करने पर रेट लिमिट वाला मैसेज आ रहा है। मस्क के दौर में ट्विटर वेरीफाइड हैंडल के लिए $8 का शुल्क लेने के अलावा कई इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट के कारण भी सुर्खियों में रहा है। ट्विटर के अधिकांश पुराने शीर्ष कर्मचारी मस्क के आने के बाद कंपनी छोड़ चुके हैं। देश में COVID-19 के मिले 40 नए मामले। देश में एक दिन में COVID-19 के 40 नए मामले सामने आए,
जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1513 हो गई है, जो एक दिन पहले 1533 थी। यह जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर शनिवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से अभी तक 531,906 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कोविड-19 के 4.49 करोड़ मामले सामने आए हैं, जबकि मरीजों के रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.81% है। अभी तक कुल 4,44,60,809 लोग संक्रमण से रिकवर हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.18% है।